दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खान फर्नीचर। अगर आप सेकंड हैंड फर्नीचर की दुकान खोलने की सोच रहे हैं पर ये नहीं समझ में आ रहा है आपको कि फर्नीचर कैसे खरीद के लेके आए मेट्रो सिटी से, या फर्नीचर कहाँ पर मिलेगा, कैसे दुकान ओपन कर पाएंगे, कितना की लागत लग जाएगी आपको दुकान अपनी पुराने फर्नीचर की खोलने में, और असली में जो फर्नीचर बाज़ार में बिकता है वो जो आपके गांव आपके शहर में इस वक्त किसी बंदे ने सेकंड हैंड फर्नीचर की दुकान कर रखी है और आप ये सोच रहे हैं कि वो फर्नीचर कहाँ से लाता है, कैसे लाता है, कितने का लाता है, कहाँ पर बिकता है वो फर्नीचर, कैसे उसको ही मिल जाता है, आपको क्यों नहीं मिल पा रहा है वो फर्नीचर, आपको इतने सारे सवाल के जवाब अगर आपके मन में है, इन सारे सवालों का जवाब, तो मैं आपको इन सारे सवाल का जवाब एक एक करके अपने वीडियो में दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरा सेकंड हैंड फर्नीचर का काम है और मुझे पूरी नॉलेज है कि सेकंड हैंड फर्नीचर कैसे ख़रीदा जाता है और कैसे बेचा जाता है। और शहर से आप लोग गांव में ले जाकर कैसे पुराना फर्नीचर बेच रहे हैं और कैसे वो यहाँ से ख़रीदते हैं, कितने में ख़रीद पाते हैं, सारी बातें मैं एक एक करके बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। तो वीडियो में आप बने रहिएगा अंत तक। अगर आप मेट्रो सिटी से बाहर हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होगा कि कोई व्यक्ति फर्नीचर कैसे खरीद के अपने गांव ले जाकर उसको बेचता है। तो मैं बता दूं, इसके दो तरीके होते हैं ख़रीदने के। पहला तरीका तो ये होता है कि उसके पास कम से कम 2 से 3 लोगों की टीम होती है, और 2 से 3 लोगों की टीम होने के फ़ायदे ये होते हैं कि एक बंदा वहाँ पर अपने ठिए पर सेल कर रहा होता है, बेच रहा होता है फर्नीचर को, लेकिन उसके दो व्यक्ति या एक व्यक्ति कुछ ऐसे भी होते हैं जो मेट्रो सिटी में उसे बाय कर रहे होते हैं, यानी कि फर्नीचर को ख़रीद रहे होते हैं। अब फर्नीचर ख़रीदते कैसे हैं मैं अब आपको ये बता दूँ। तरीका ये होता है सेकेंड हैंड फर्नीचर ख़रीदने का, पहला कि यहाँ पर भी मेट्रो सिटी में भी कुछ होलसेल मार्केट होते हैं जिसके वजह से वहाँ पर भी सेकंड हैंड फर्नीचर बहुत आसानी से बिकता है। जो होलसेल मार्केट होता है सेकंड हैंड फर्नीचर का, वहाँ पर क्या होता है, जो स्क्रैप डीलर कबाड़ी बैठे होते हैं उस मार्केट में, वो मेट्रो सिटी से पुराने फर्नीचर खरीदते हैं और अपने ठिए पे ले आते हैं उसको, और फिर जो बाहर से जो बायर आते हैं, बाहर से जो कबाड़ी आते हैं, वो वहाँ पर उनसे ख़रीदते हैं। और क्या होता है कि ख़रीदते इस वजह से है कि वो मान के चलो उनके पास एक लॉट आया पूरा का पूरा कम्प्लीट, वो पूरा लॉट जब वो आ जाता है तो जो व्यक्ति बाहर से आए होते हैं वो उन्हें पूरी पेमेंट कर देते हैं, यानी कि अगर 20,000 का लॉट है तो वो 20,000 रुपये पूरा का पूरा वो कंप्लीट पे कर देते हैं कबाड़ी को, सामने वाले दुकानदार को, होलसेलर को, ये कह के कि देखो भैया मेरे पास स्पेस नहीं है और मैं आपको इतने पैसे दे दे रहा हूँ, यानी पूरे फर्नीचर का माल आप का पैसा मैं आपको दे रहा हूँ, पर 3 दिन आप रखेंगे इसको हम अपने पास। 3 दिन रखने से ये होता है कि उसको स्पेस मिल जाता है सामान रखने के लिए, और पैसा तो वो पे कर देते हैं लेकिन स्पेस मिल जाता है। इसी तरीके से 10 दुकान पर भी अगर आप इस तरीके से फर्नीचर के पैसे देकर फर्नीचर को आप होल्ड पे कर देते हैं तो आपको एक गाड़ी माल आपके पास इकट्ठा हो जाता है, और जब एक गाड़ी माल इकट्ठा हो जाता है तो वापस फिर आप एक गाड़ी पूरी मंगवा कर वो एक एक दुकान पर से सारे का सारा फर्नीचर उठाकर एक ही बार आप उसे लोडिंग करके आप वो अपने शहर अपने गांव ले जाकर उसे सेल करते हैं। तो पहला तरीका तो ये होता है कि वो उनके जो बंदे होते हैं वो मार्केट में रहते हैं और वो माल खरीद के इकट्ठा करते हैं और एक ही बार गाड़ी लगा के वो उसे सेल कर दे ले जाते हैं अपने साथ अपने गांव शहर। दूसरा तरीका ये होता है कि पुराना होने के बाद कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, बन जाने के बाद कॉन्टैक्ट आप डायरेक्ट ही ऑनलाइन उनको पेमेंट करेंगे, माल का फ़ोटो मंगवा लेंगे कि भैया देखो मैं इस शहर में हूँ, मैं और आपसे माल ले जाता हूँ पर मैं आ नहीं सकता, आपके पास जो भी माल आया हुआ है उसका आप मुझे फ़ोटो भेज दें, वो फ़ोटो वो आपको भेज देंगे और आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप उसे पैसा पे कर देंगे, तो वो माल होल्ड हो जाता है। होल्ड हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, फिर जब आपके पास एक गाड़ी माल इकट्ठा हो जाता है धीरे धीरे करके, तो आप महीने या 15 दिन में जाकर वहाँ से वो माल को ले सकते हैं। तो वहाँ से बैठे बैठे आप इस तरीके से डील कर सकते हैं, और अगर आपके पास टीम है तो आप शहर में भी इस तरीके से डील कर सकते हैं। तो पहला और दूसरा दोनों आप तरीका समझ गए होंगे। तो यही तरीका होता है सेकंड हैंड फर्नीचर खरीद कर शहर से गांव ले जाकर बेचने का, एक सही तरीका यही होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों।